जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज है 23 मई 2021। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली के करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो दिल्ली की करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल और हिमाचल के साथ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और विजयपथ डिफेंस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप अभी तक आपने आर्मी स्पेशल वीडियो नहीं देखी है, जिसमें 500 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, तो उसका लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, हिमाचल प्रदेश में किस बीमारी को हाल ही में महामारी घोषित किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस बीमारी को जो है वो महामारी घोषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसे घोषित किया है, तो वो उसका नाम है ब्लैक फंगस। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के द्वारा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया था, और हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी ब्लैक फंगस को 1 साल तक महामारी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी योजना किस विभाग से जुड़ी हुई है? तो ई संजीवनी योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है। इसमें मुख्य तौर से हॉस्पिटल्स में ओपीडी जो है वो इमरजेंसी के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट वन है, हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हिमाचल प्रदेश सरकार कितने रुपए प्रति महीना देगी? तो 2500 रुपये जो है वो हिमाचल सरकार जो है उन्होंने देने की घोषणा की है। जो भी कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 18 वर्ष की आयु तक जो है वो 2500 रुपया महीना हिमाचल सरकार की द्वारा जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर बायस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाहन में ये स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाहन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किस फसल के लिए ये मुख्य तौर से जाना जाता है। नेक्स्ट वन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको MoEFCC के नाम से बोला जाता है, के अनुसार 2009, 2010 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्वे जो है वो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो इसमें जो है वो टोटल अभी तक 186 हाथियों की जो है वो मौत हुई है। नेक्स्ट वन है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? तो राजेंद्र सिंह जडेजा जी का जो है वो हाल ही में कोरोना के चलते निधन हो गया है। नेक्स्ट वन है, तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो हाल ही में 30 मई तक जो है वो तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। तेलंगाना की बात करें तो सबसे लेटेस्ट हमारा ये राज्य बना है पूरे भारत का, जो कि 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं पूरे भारत में। तेलंगाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश से टूट के बना था और हैदराबाद इसकी राजधानी है। नेक्स्ट वन है, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? तो एक मुख्य परियोजना थी पूरे विश्व में, तो उसमें ईरान ने जो है वो भारत को इस योजना से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट वन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है? तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने हर परिवार के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है, जिनके भी सदस्य जो हैं वो कोविड-19 की वजह से नहीं रहे हैं। नेक्स्ट वन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो है ये 18 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल का राजकीय म्यूजियम कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HPSSC में काफ़ी टाइम बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट वन है, वह राज्य सरकार जिसने मक्यूरक
माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित किया था। तो सबसे पहले जो है, अभी मैंने आपको बताया था, राजस्थान सरकार के द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट वन है, विश्व मेटोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को पूरे विश्व में मेटोलॉजी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोईद यूसुफ को जो है वो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सो कोरोना जो है वो काफ़ी फैला है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिमाचल में। तो आपको सुरक्षित रहना है, अपनी भी आपको सेफ्टी रखनी है और दूसरों को भी आपने सेफ रखना है। तो जुड़े रहें आप विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, PDF, स्टडी मटेरियल्स, HPG के नोट्स, इंडिया जी के नोट्स और साथ में जितने भी आर्मी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो व्हाट्सएप के साथ जुड़ने के लिए या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको जुड़ सकते हैं, या फिर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस नंबर के ऊपर मैसेज करके भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।